तो दोस्तों, फ्रंट की वाइपर चेंज करने तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप पीछे की वाइपर चेंज करने आते हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आप खुद से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले पीछे की वाइपर में एक इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, वाइपर के साइड में ये दिखाता है कि आपकी जो पीछे की वाइपर है इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, इसे मैक्सिमम नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप 1 इंच आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये इधर पर टच नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा बड़ी कर लेंगे ये इसमें टच करेगा। अब इसे खोलने और इसमें चेंज करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैप है, इसे आपको करनी पड़ेगी ओपन। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो नट है इसे आपको करने का पड़ेगा लूज। तो चलिए सीखते हैं। तो कोई भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। खुलने के बाद इसे आपको करना है थोड़ा पुल, ये देखिए खुल जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है अपना नया वाइपर, यहाँ पे आपको उसको करना है थोड़ा सा पुश। लगाने के बाद ये देखिए अंदर तक चला जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद आपको यहाँ पे लगा देना है। ध्यान रहे तो आपका जो वाइपर की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए जब आप लगाएं। तो देख लीजिए सही से कस चुका है। अब इसके पास लगाना आपको उसका कैप वापस, ये देखिए सही से। तो इस तरह से हमारा वाइपर हो गया, रेयर वाइपर रेडी। वाइपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कुछ नया जानने के लिए इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।